आगे बढ़ते हैं ब्रिगेड साहब की तरफ। ब्रिगेड साहब, पाकिस्तान को बड़ी शिकायत रही है ईरान से, माजी में भी अब भी होगी डेफिनेटली। कुलभूषण जाधव जब पकड़े गए तो वो वहाँ से ऑपरेट कर रहे थे। पाकिस्तान ये भी कई दफ़ा शिकायत की है कि ईरान की सरजमीन इंटेंशनली अन इंटेंशनली इस्तेमाल हुई है इंडिया के हाथों पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो ये मामला भी डेफिनेटली ज़ेर बहस आया होगा, और पाकिस्तान उठाता है इस मामले को तो इसका भी कोई हल होता नज़र आता है आपको, अगर अगर बाहमी तल्लुकात आगे बढ़ते हैं और मज़ीद बेहतर होते हैं? देखिए, ये तो जनरल बात जरूरी होगी। टेररिज्म कमिंग अक्रॉस बोथ कंट्री, उधर से ईरान की तरफ से पाकिस्तान में, पाकिस्तान से ईरान से, दोनों की हुई होगी। और आप आई थिंक इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई इस विजिट के बाद कि नाउ वो पुराने रिलेशनशिप पे खत्म हो गए। वी हैड लॉट ऑफ कंप्लेंट्स, बट आई एम श्योर कि ये विजिट से वो तमाम चीजें धो के साफ हो गई। नाउ वी हैव अ क्लीन स्लेट। ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अब हमें इसको कैश करने की जरूरत है। हमें ईरान से ताल्लुकात बेहतर करने में और इंडिया को साइड पे करने में बहुत फायदे हैं। इवन इफ इंडिया और ईरान के ताल्लुकात कहते हैं वी डोंट बॉर्डर एज, हमारे और ईरान के ताल्लुकात अच्छे होते हैं, क्योंकि देखिए बॉर्डर के ऊपर इकोनॉमिक बॉर्डर जोन जो बना रहे हैं, जहाँ पर एक आपका ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा, दैट वेरी इंपॉर्टेंट, उससे हमें बहुत फायदा होगा। और जो ऑयल की बात जो देखें, दुनिया और दुनिया चाइना और इंडिया ने कितना फायदा उठाया। पाकिस्तान हैज टू बी वेरी ऑफेंसिव डिप्लोमेटिक में जाएं, अमेरिका से खुल के बात करें, उनको बताएं कि व्हाट इज द नीड, व्हाई वी वांट इट। और ये हमारी गैस में अवाम के लिए, जब हुकूमत बनी है तो अवाम के लिए क्या करेंगे? दो चीजें, ऑयल गैस सस्ती, मीन्स के वी हैव रियली दिस गवर्नमेंट इज गोइंग टू पे एक्सेप्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और इससे आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पोलिटिकल स्टेबिलिटी सारा कुछ हो जाएगी। इसलिए इसके ऊपर ईरान से बड़े खुल के मुज़ाकरात हुए होंगे, कुछ चीज़ें आई एम श्योर कि वो पब्लिसाइज नहीं हुई हैं, वो सेक्टर में नहीं आई होंगी, अहमियत रखती हैं, ऑल अंडरस्टैंड बट ऑल हैव बीन डिस्कस। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान ईरान के ताल्लुक बेहतर होने चाहिए, इसको ठीक करें, और तजारत में जितने स्टेप फॉरवर्ड एक दूसरे ले सकें वो जरूर।